ऑनलाइन हाजिरी नहीं तो जुलाई माह का वेतन नहीं, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। बेंच डेस्क के मामले में एसीएस हुए काफी गंभीर और अब सामुदायिक भवन में भी चलेंगी छात्रों की कक्षाएं। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिहार शिक्षा जगत से जुड़े तमाम अहम खबर लेकर। दोस्तों खबरों की दुनिया में ढेर सारी खबर है, लेकिन सबसे प्रमुख खबर ये है कि अब जुलाई माह का वेतन शिक्षकों का तभी मिल पाएगा जब शिक्षक ऑनलाइन अपना अटेंडेंस बनाएंगे। दोस्तों इसके संबंध में कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि खबरें ये भी चलाई जाती है कि फिलहाल 3 महीनों तक तमाम शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में राहत प्रदान की गई है। परंतु उधर शिक्षा विभाग की ओर से यह भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि जुलाई माह का वेतन तभी शिक्षकों या फिर प्रधानाध्यापकों को दे होगा जब ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि आखिर तमाम शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के बाद ही वेतन का भुगतान हो पाएगा, इसके पीछे का राज क्या है? तो हम स्पष्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि वास्तव में जो खबर चल रही है कि 3 महीनों तक तमाम शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में राहत प्रदान की गई है वह बिल्कुल सत्य है, और जुलाई माह का वेतन तभी मिल पाएगा जब शिक्षक द्वारा महीने में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जरूर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाएगा। जिन प्रधानाध्यापक या फिर शिक्षक द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया जाएगा, महीने में 1 बार भी उनके द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी, वैसे शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके वेतन को स्थगित किया जाएगा फिलहाल जुलाई महीने के लिए। वैसे तमाम शिक्षकों के लिए हम कहना चाहेंगे कि घबराने की कहीं से आवश्यकता नहीं है, और साथ ही अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिदिन शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। सिर्फ अभी शिक्षकों का प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन तमाम शिक्षक महीने में कम से कम 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार यानी जब तक सक्षम हो सके शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल समय को लेकर अगर किसी भी प्रकार की विलंब या फिर कमी होती है तो शिक्षकों को राहत प्रदान की गई है, इसलिए तमाम शिक्षकों को चाहिए कि अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो शिक्षा विभाग के एसीएस नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी किया गया है, जिन्होंने विद्यालय की अवधि 9 बजे से लेकर 4:30 तक निर्धारित की है, वैसी अवधि में ही शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाए काफ़ी बेहतर होगा। वहीं दोस्तों बेंच और डेस्क के मामले में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं, और बड़ी खबर ये आई है कि जो निजी एजेंसी जिन्होंने बेंच और डेस्क विद्यालयों में उपलब्ध कराए थे, अगर उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया बेंच और डेस्क और गुणवत्तापूर्ण है तो वैसे बेंच और डेस्क को उन्हें वापस किया जाएगा, और साथ ही साथ अगर वैसी एजेंसियों द्वारा अगुणवत्तापूर्ण बेंच और डेस्क नहीं वापस लिया जाता है तो ऐसे एजेंसियों को काली सूची में डाली जाएगी और साथ ही उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक बार फिर से ये कहना होगा कि सबसे पहले मुद्दा उठाया था शिक्षकों के नेता बंसीधर ब्रजवासी ने, जिन्होंने आरोप लगाया था निवर्तमान एसीएस के पाठक के ऊपर कि उनके द्वारा फिलहाल शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और दबाव बनाने के क्रम में ही भ्रष्टाचार के बिंदुओं को आसमां तक पहुँचाया जा रहा है। और बंसीधर ब्रजवासी ने आरोप लगाते हुए कही थी कि लगभग 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है बेंच और डेस्क के मामले में। अब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बेंच और डेस्क के मामले को गंभीरता पूर्वक देखा जा रहा है, और जो भी अगुणवत्तापूर्ण बेंच और डेस्क मिलेंगे उन सभी को वापस किया जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में आप सभी देखे होंगे कि किशनगंज में एक साथ 4-4 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी, वहां के 3-3 कार्यक्रम पदाधिकारी भी सम्मिलित है, सभी के सभी गए हैं बेंच और डेस्क के मामले में। दोस्तों भ्रष्टाचार के बिंदु में सिर्फ बेंच और डेस्क ही सम्मिलित नहीं है, भ्रष्टाचार के बिंदु में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो वो है समरसेबल घोटाला, जिसमें प्रति समरसेबल 2,64,000 रुपए दिए गए हैं और भुगतान किया गया है, परंतु सामने तो ये भी आया है 30 फीट की गहराई में ही समरसेबल का निर्माण कर दिया गया है, तो खबर ये भी आई है कि कहीं 10 फीट के गहराई में ही समरसेबल का निर्माण कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा, अभी सिर्फ बेंच और डेस्क की गुणवत्ता की जांच हो रही है, समरसेबल की गुणवत्ता की भी जांच होनी चाहिए। अगर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा इन तमाम बिंदुओं पर गहनता पूर्वक जांच की जाती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा, और शिक्षा विभाग में जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है वह सामने उभर कर आएगा,
और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे जाना ही होगा। दोस्तों उधर ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ी खबर ये दी है कि वैसे विद्यालय जहां भवन का अभाव है या फिर जहां भवन अभी निर्माणाधीन है वहां बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। वैसे विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि 500 मीटर के अंदर में अगर कोई सामुदायिक भवन या फिर कोई सरकारी भवन है जो बिल्कुल खाली है, वहां किसी भी प्रकार का कोई अन्य कार्य नहीं हो रहा है, तो वैसे भवनों में तत्काल छात्रों की पढ़ाई होगी और इस तरह छात्र पढ़ाई से वंचित नहीं होंगे। दोस्तों इसके संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश ये जारी कर दिया गया है कि हर हाल में विद्यालय से उसकी दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है दोस्तों, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 500 मीटर की दूरी ही निर्धारित की गई है और ऐसे में जो शिक्षक सामुदायिक भवन या अन्य सरकारी भवन में छात्रों को पढ़ा रहे होंगे, निश्चित रूप से उनके द्वारा वहां से बनाया गया ऑनलाइन अटेंडेंस मान्य हो जाएगा और वे सभी उपस्थित माने जाएंगे। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग से जुड़े एक और अन्य खबर ये आई है, निवर्तमान ACS के पाठक का तबादला कर दिया गया है। खबर ये चलाई जा रही है कि निवर्तमान ACS सेंटिंग में चले गए हैं। दोस्तों हम बताते चले कि उन्हें राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बात सही है कि उन्हें किसी भी विभाग का सचिव नहीं बनाया गया है, यानी अध्यक्ष पद डाल दिया गया है और ऐसे में अध्यक्ष पद का कोई कार्य ही नहीं रह जाता, सिर्फ सिर्फ उनकी नौकरी बची रहेगी, वे सुरक्षित रहेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से जहां अपने पद का वो दुरुपयोग किया करते थे, जितना उन्हें अधिकार था उससे ज्यादा अधिकारों का प्रयोग भी किया करते थे, जिसका खामियाजा बिहार के तमाम शिक्षकों को भुगतना पड़ा था, अब उसी का खामियाजा उसके विपरीत के पाठक को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वह राजस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव पद भी योगदान नहीं किए। तो हर हाल में स्वाभाविक है कि बिहार सरकार किसी भी कर्मचारी को ऐसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पद में जरूर बनाकर रखेगी। इसी आधार पर बिहार सरकार ने निवर्तमान ACS के पाठक को अब राजस्व परिषद का अध्यक्ष बना दिए हैं और के पाठक फिलहाल वहीं विश्राम में रहेंगे। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य खबरों में एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि बार बार वर्तमान ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा ये बातें कही जाती है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य करेंगे। दोस्तों आखिर जीरो टॉलरेंस नीति होता क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि हर बिंदुओं पर जीरो टॉलरेंस नीति की ही बातें की जाती है ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा। इसी क्रम में हम आप सभी को कहना चाहेंगे कि जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब होता है किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना। यानी ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा स्पष्ट लहजे में ये बातें कही जा रही है कि किसी भी बिंदु पर हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके संबंध में शिक्षकों की उपस्थिति के मामले हो या फिर शिक्षकों द्वारा विद्यालय में पढ़ाने के मामले हो, चाहे विद्यालय में किसी भी प्रकार के विकास संबंधी मुद्दे हो। यानी ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है कि किसी भी बिंदु पर हम समझौता नहीं करेंगे और शिक्षकों को हर बिंदुओं पर अपनी भूमिका निभानी होगी, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो या फिर विद्यालय में कार्यरत अन्य शिक्षक हो। दोस्तों इसी के संबंध में हम कहना चाहेंगे कि जीरो टॉलरेंस नीति पर ही वर्तमान ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा कार्य किया जा रहा है, ऐसे में तमाम शिक्षकों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। भले ही ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा ये बातें कह दी जाती है कि शिक्षकों की पुलिसिंग नहीं की जाएगी, शिक्षकों के ऊपर कोई दबाव नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्पष्ट है दोस्तों कि आने वाले दिनों में हर शिक्षक को निश्चित रूप से अपनी पूर्ण भागीदारी निभानी पड़ेगी जो उनका पूर्ण दायित्व बनता है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए स्पष्ट लहजे में यही कहा जा सकता है, शिक्षा जगत में अचंभित उत्थान हेतु ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जो भी प्रयोग या फिर नीति अपनाई जा रही है, निश्चित रूप से बिहार के छात्रों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों आज की खबर इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास निश्चित रूप से शेयर करेंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।